नमस्ते दोस्तों, रिंकू की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अनरसा की रेसिपी। वैसे तो अनरसा चावल से बनाया जाता है, लेकिन आज हम रबड़ी से अनरसा बनाएंगे, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अनरसे की गोली बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने चालू कर दिया है। दूध को एक बार हम अच्छे से चला लेंगे। दूध को हमें हाई फ्लेम पर उबालना आप है। देख सकते हैं दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो वो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो ये जो दूध है कढ़ाई के तलवे में चिपक सकता है, तो इसे हम रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर ही हम दूध को सुखाएंगे और इसके किनारों पे जो ये मलाई चिपक रहा है इसको हम छुराते रहेंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ा सा दूध और हम सुखाएंगे। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3/3 दूध को अच्छे से सुखा लिया है। अभी आपको रबड़ी की तरह दिख रहा होगा, ये देखिए। अब हमें दूध को नहीं सुखाना है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से अनरसा बनाइएगा दोस्तों, तो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही, बनाना भी बहुत ही आसान है, झट से बन करके तैयार हो जाता है। गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा कम कर लेना है। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अनरसे की गोली बनाने के लिए हमारा रबड़ी तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने देंगे। ये जो रबड़ी है ठंडा हो चुका है, ये देखिए, और ठंडा होने के बाद पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें हम 150 ग्राम के करीब मैदा डाल देंगे। 150 ग्राम के करीब हम चावल का आटा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से इसको हम अच्छे से मस लेंगे। इसे हमने मसलते हुए एकदम आटे के डो जैसा बना लिया है, ये देखिए। अब इसमें से हम छोटा छोटा लोई तोड़ेंगे, ये देखिए, हम छोटा छोटा लोई तोड़ेंगे। हमने यहाँ पर सारे अनरसे की गोली को, ये देखिए, तोड़ लिया है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिया है दोस्तों। एक लोई को लेंगे और इस तरीके से इसमें हम कोट करेंगे, ये देखिए, अच्छे से कोट करना है। अब चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। अब इसमें हम घी डाल देंगे। इसे दोस्तों हम घी में बना रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हमने घी को हल्का गर्म किया है, इसे हल्का ही गर्म करना है। एक एक करके सारे अनरसे के गोली को हम इसमें डाल देंगे। चलिए इसको एक बार नीचे की तरफ से देख लेते हैं, अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं। नीचे की तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप मुझे Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रबड़ी वाला अनरसा बन करके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को दोस्तों घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। आप इस रेसिपी को दोस्तों एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाने में उतना झंझट भी नहीं है और झट से बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। एक तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए,
आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।